अरे मियाँ बुढ़ उनको देगा ही नहीं, 100 साल में नहीं देगा। मियाँ को सब्जी भी बेचने नहीं देगा, नौकरी भी करने नहीं देगा, फोर्थ ग्रेड का चाकरी भी नहीं देगा, उन लोगों को कोई किस्म का फैसिलिटी नहीं देगा, तो मियाँ उनको क्यों वोट देगा? भीख मांगते मांगते हेमंत बिश्व शर्मा साहब आधे पागल हो जाएंगे, लेकिन कोई एक मियाँ भी उनको वोट नहीं देगा। तो पॉलीगेमी का भी ये बिल लाने वाले है तो लाने दो ना, लाने में लाने। तो क्या आपको आपको लगता है कि इस पॉलीगेमी के जरिए पॉलीगेमी है क्या? देखो ट्रिपल तलाक है, पॉलीगेमी है, और पता नहीं क्या, सब का मकसद है मुसलमान को टारगेट करना, मुसलमान को बेइज्जत करना, बेइज्जत करना। इंशाल्लाह इज्जत देने वाला अल्लाह है, मुसलमान इज्जत देने के लिए वो अल्लाह क्या कर सकता है, ना आप सोच सकते हो ना हम सोच सकते। वो तो दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है, सुबह को शाम कर सकता है, शाम को सुबह कर सकता है, इज्जत को बेइज्जत कर सकता है, बेइज्जत को इज्जत दे सकता है। तो आपको लगता है आसाम हो या पूरे देश भर में अभी का जो माहौल है, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान के लोग इलेक्शन में, देखो एक मिनट, इलेक्शन इलेक्शन के टाइम पे चाहे कितना भी, अभी क्या नाम है उनका आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से 3 घंटे का मीटिंग हुआ, उसमें उन्होंने क्या बोला, हमको मंदिर में भी जाना पड़ेगा, मस्जिद में भी जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे में भी जाना पड़ेगा, और सब जगह जाना पड़ेगा, लोगों का वोट हमको लेना पड़ेगा। मोदी जी ने 1-3 महीना पहले कहा कि 10% माइनॉरिटी का वोट हमको चाहिए। अभी हेमंत बिश्व शर्मा साहब ना मोदी जी को मानते हैं ना मोहन भागवत साहब को मानते हैं, तो उनको अपना ठिकाना खुद ढूंढ लेना चाहिए। तो मुसलमान सेफ है क्या जी? मुसलमान हम लोग बहुत सेफ है, और ये छोटे मोटे झटे घर घर में होते, कहाँ नहीं होता, हम लोग सेफ है, कोई घबराया हुआ नहीं है। बुलडोजर कितना भी चला लो, 2-4 घर पे तो चलाना, सारा समाज क्यों ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, कर लेना। तो बहुत जल्दी हमारे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मोदी जी और उनकी पार्टी के लिए नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पार्टी के लिए नहीं, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।